पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश शुक्रवार को जिला मुख्यालय नाहन पहुंचा। इस दौरान अस्थि कलश को कांग्रेस भवन में रखा गया। यहां पर कांग्रेस पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य लोगों ने अपने प्रिय नेता को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की। गौरतलब है कि पूर्व सीएम का अस्थि कलश बीते वीरवार को नाहन विधानसभा क्षेत्र के वर्मा पापड़ी सहित अन्य स्थानों पर पहुंचा। यहां पर लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद अस्थि कलश त्रिलोकपुर पहुंचा। त्रिलोकपुर से सुबह काला अंब मेघीनंद होते हुए 11 बजे जिला मुख्यालय नाहन पहुंचा। यहां पर दोपहर 3 बजे तक श्रद्धांजलि देने के लिए कलश को रखा गया। इसके बाद कलश शंभूवाला के लिए रवाना हुआ। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश जिला मुख्यालय नाहन पहुंचा। इस दौरान जो लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने शिमला नहीं जा पाए थे, उन्होंने यहां पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद अस्थि कलश को शंभूवाला के लिए रवाना किया गया। धौलाकुआं शिव मंदिर में रात्रि ठहराव होगा, वहीं शनिवार को यहां से कलश पौंटा साहिब जाएगा। यहां पर नाहन और पौंटा साहिब कांग्रेस मंडल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यमुना नदी में अस्थि कलश का विसर्जन करेंगे। रात्रि विश्राम जो है त्रिलोकपुर में हुआ और आज प्रातः वहाँ त्रिलोकपुर के लोगों ने बहुत भारी संख्या में एकत्रित होकर राय साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तत्पश्चात आज प्रातः 10:30 बजे के लगभग वहाँ से एक कलश का प्रस्थान हुआ और रास्ते में मोगीनंद इत्यादि आमवाला सैनवाला में उनका लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात ये कांग्रेस भवन में अस्थि कलश पहुँचा। यहाँ 11:30 से लेकर 3 बजे तक ये कलश यहाँ रखा जाएगा ताकि लोग आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें। तत्पश्चात 3 बजे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वो अजय सोलंकी जी, जनरल सेक्रेटरी हैं वो इकबाल मोहम्मद जी जो बैकवर्ड इसके माइनॉरिटी सेल के प्रधान हैं वो लेकर यहाँ से विदा होंगे ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ और ये अस्थि कलश शंभूवाला वगैरह इत्यादि होता हुआ बड़ा बन होता हुआ आज रात्रि जो ठहराव है वो धौलक वहाँ शिव मंदिर में होगा। तत्पश्चात प्रातः 10 बजे वहाँ से ये विदा होंगे और रास्ते में मिसरवाला वगैरह होते हुए जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और तत्पश्चात जमुना पे पहुँचकर पौंटा ब्लॉक और नाहन ब्लॉक की ओर से विधिवत जो इसका विसर्जन है वो जमुना की पवित्र नदी में किया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।